नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के नकली चेहरे को बेनकाब करेंगे और इसकी सच्चाई जानेंगे और यह भी जानेंगे कि ओबामा ने खुद कितने मुस्लिम देशों को टारगेट किया और आज अमेरिका में कितना धार्मिक भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर कुछ बातें जो हम जानने वाले हैं वह सब कुछ फैक्ट और डाटा रिपोर्ट पर आधारित है, कोई हवाबाजी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित भाजपा के नेताओं ने अमेरिका की टिप्पणी की आलोचना की और उन पर पाखंडी होने का आरोप लगाया। किस तौर पर आरोप लगाया जा रहा है उसको हम फैक्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, रविवार 26 जून को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि शायद उनके कारण 6 मुस्लिम बाहुल्य देशों पर बमबारी हुई, 26,000 से अधिक बम गिराए गए। सीरिया और यमन से लेकर सऊदी अरब और इराक तक बमबारी की गई। ओबामा की टिप्पणी मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के दौरान आई। यहाँ उन्होंने देश के साथ कई समझौते किए और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरा संबोधन भी दिया। दोस्तों, 22 जून को एक इंटरव्यू में ओबामा ने सीएनएन के अमन पौर से कहा कि यदि राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो बहुसंख्यक हिंदू भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात अहम है। अब यहाँ पर हम जो पाखंड का आरोप है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या ओबामा ने 6 मुस्लिम बाहुल्य देशों पर 26,000 बम गिराए, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक मीका जेंको के विश्लेषण के अनुसार, जिसे न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था, अकेले 2016 में ओबामा के नेतृत्व में सीरिया में 12,192 सहित 7 देशों में 26,172 बम गिराए गए, जिसमें इराक में 12,095, अफगानिस्तान में 1,337, लीबिया में 496, यमन में 35, सोमालिया में 14 और पाकिस्तान में 3। इसके अलावा जिनको ने दावा किया कि यह अनुमान निसंदेह कम है, क्योंकि विश्वसनीय डाटा जो है वह केवल पाकिस्तान, यमन, सोमालिया और लीबिया के हवाई हमले के ही उपलब्ध हैं। और पेंटागन की परिभाषा के अनुसार एक हमले में कई बम या युद्ध की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि जो बम की संख्या बताई जा रही है वह काफी ज्यादा हो सकती है, इस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि राष्ट्रपति के रूप में ओबामा के कार्यकाल के दौरान 2016 में कोई विसंगत थी। 2015 में अमेरिका ने लीबिया को छोड़कर उपरोक्त सभी देशों में 23,144 बम गिराए। वास्तव में पूर्व राष्ट्रपति के 8 वर्षों के कार्यकाल में आश्चर्यजनक संख्या में ड्रोन हमले भी हुए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि राष्ट्रपति के रूप में ओबामा ने दुनिया भर में हवाई युद्धों और विशेष अभियान बलों के उपयोग का नाटकीय रूप से विस्तार किया। इस बात का दावा किया गया है द गार्जियन 2017 की रिपोर्ट में। लंदन स्थित एक गैर लाभकारी समाचार पत्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के अनुसार ओबामा ने अपने 2 कार्यकालों में पाकिस्तान, सोमालिया और यमन को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर ड्रोन द्वारा 563 हमलों को अधिकृत किया। ब्यूरो ने कहा कि हमलों के कारण इन देशों में 384 से 807 नागरिक मारे गए। इस आंकड़े को संदर्भ में रखने के लिए समाचार आउटलेट ने आगे कहा कि ओबामा के राष्ट्रपति पद के दौरान उनके पूर्ववर्ती जॉर्ज डब्ल्यू ब्रुस की तुलना में आतंकवाद के खिलाफ गुप्त युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 10 गुना अधिक हवाई हमले किए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो ओबामा साहब हमें ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में, वो स्वयं किस तौर पर मुसलमान जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं उनके समक्ष किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं वो स्वयं आप देख रहे हैं। ओबामा ने इराक और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को समाप्त करने के वादे के साथ कार्यकाल में प्रवेश किया। दोनों 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद ब्रुस प्रस्ताव के तहत शुरू हुए। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद उन्होंने 2009 में परमाणु हमलों के बिना दुनिया के लिए दृष्टिकोण और काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता। लेकिन अमेरिकी सैन्य बल ओबामा के कार्यकाल में सभी 8 वर्षों तक युद्ध में रहे और इस विशेषता के साथ वे पहले 2 कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी बने। 2017 की रिपोर्ट में लॉस एंजलिस टाइम्स ने उल्लेखित किया कि यद्यपि राष्ट्रपति ने युद्ध क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या में कटौती की, जैसा कि उन्होंने कसम खाई थी, यह संख्या 15,000 से
14,000 कर दी गई और अमेरिकी सैनिकों की मौत को नियंत्रित किया। उन्होंने विशिष्ट कमांडो इकाइयों की तैनाती का विस्तार किया और सशस्त्र ड्रोन हमले, साइबर हमले सहित कई तकनीकी का भी उपयोग किया। अब जैसे कि ज़्यादा लोग थे, 15,000 लोग थे, वहाँ 14,000 लोग कर दिए गए, तब वहाँ पर जो सैनिक हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा और वही बात कही गई कि मौत को नियंत्रित किया। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अमेरिका में खुद कितना भेदभाव हो रहा है। तो FBI की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि अमेरिका में सिख समुदाय और यहूदियों के खिलाफ घृणा अपराध के मामले में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। FBI की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में धर्म संबंधित कुल 1,005 घृणा अपराध दर्ज किए गए। इनमें से 31.9% घृणा अपराध की घटनाएं यहूदियों के खिलाफ और 21.3% सिख समुदाय के खिलाफ दर्ज की गई। मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराध की घटनाएं महज 9.5 थी। वहीं कैथोलिक लोगों के खिलाफ घृणा अपराध के मामले 6.1% दर्ज हुए। अब आइए दोस्तों जानते हैं निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका से हम अच्छी दोस्ती चाहते हैं, मगर उनकी तरफ से धार्मिक सहिष्णुता पर बयान आ जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां 6 मुस्लिम बाहुल आबादी देशों के खिलाफ उनके शासन में बमबारी हुई, 26,000 से अधिक बम गिराए गए। ऐसे देश भारत के खिलाफ जब आरोप लगाते हैं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। इसके बाद असम के CM ने भी हुसैन ओबामा करके ट्वीट कर दिया, जिसके कारण काफी ज्यादा राजनीतिक भूचाल भी आ गया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी और सभी बातों को आप जान पाए होंगे। तो अगर जानकारी रोचक लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।